अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यू ऑल आर वॉचिंग डॉक्टर समर फिटनेस वर्ल्ड, वेलकम टू माई चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट मोरिंगा प्लांट। मोरिंगा को उर्दू में सुहांजना भी कहा जाता है। मोरिंगा एक सुपर फूड है, यानी एक मौजाती पौधा है। इसके दरख्त के हर हिस्से खास और फ़ायदा मंद है। सुहांजना के पत्ते, इसके फूल, सीड्स, इसके दरख्त की लकड़ी, पत्तों और तनों में से निकलने वाला पानी, जिसे सैप भी कहा जाता है, हर हिस्से की अलग बेनिफिट्स हैं। इसके फूल खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सुहांजना को ऑयल, ऑलिव ऑयल जितना बेनिफिशियल है, क्योंकि ये दोनों ऑयल्स जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब गर्म होने के बाद इनमें टॉक्सिन्स नहीं पैदा होते। ये एक सेफ ऑयल है फॉर कुकिंग। हमारे जिस्म की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए मुख्तलिफ किस्म के 9 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। अमीनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। ये प्रोटीन्स सेल्स बनाते हैं, सेल से बॉडी के टिश्यूज बनते हैं। मोरिंगा में ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज देख लेते हैं। मोरिंगा में बनानास के निस्बत 7% ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। मिल्क से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। माल्टे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। स्पिनच से 25 ग्राम ज़्यादा आयरन मिलता है। एग से 36 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम मिलता है। मूंगफली से 50 गुना ज़्यादा विटामिन B3 मिलता है। केलों से 56 गुना ज़्यादा B2 मिलता है। तो आप मोरिंगा प्लांट के कुछ इंडिकेशंस यानी उसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रीटिंग एस्थमा। मोरिंगा में ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो एस्थमा के इलाज, उसके सिम्टम्स को मैनेज करने में मददगार साबित होते हैं। एस्थमा के अलावा ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन एंड एयरवे इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट में भी यूजफुल है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग गिनी पिग्स में जिन्हें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट दिया गया था, उनमें लंग फंक्शन इम्प्रूव हुआ। ट्रेडिशनल रेमेडीज एंड लेबोरेटरी टेस्ट ये शो करता है कि मोरिंगा का इस्तेमाल मिनरल्स के बिल्डअप होने से रोकता है, जिसकी वजह से किडनीज में स्टोन्स नहीं बनते। रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर। मोरिंगा में ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो बीपी को कम करने में मददगार साबित होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक कुछ लोगों के ग्रुप को 1 वीक तक 120 ग्राम पके हुए मोरिंगा के लीव्स दिए गए और दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को नहीं दिए गए। जिन लोगों को मोरिंगा दिया गया, उनमें ब्लड प्रेशर की वैल्यू 2 घंटे के बाद कम हो गई और जिन्हें नहीं दिया गया, उनमें वैसी ही रही। ट्रीटिंग एनीमिया एंड सिकल सेल डिजीज। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मोरिंगा अनीमिया के इलाज और बचाव के लिए इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरी टेस्ट के रिजल्ट से भी साबित हुआ कि मोरिंगा के इस्तेमाल सिकल सेल डिजीज के इलाज में मददगार होता है। प्रोटेक्टिंग एंड नर्शिंग स्किन एंड हेयर। एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज रखता है, यानी एक्ने होने से बचाता है। मोरिंगा एक सुपर फूड है जिससे आप अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। मोरिंगा का सीड्स की ऑयल हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्रिवेंटिंग रेमेटाइड अर्थराइटिस। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, जोड़ों की सूजन कम करता है, जिसकी वजह से रेमेटाइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स ईजली मैनेज हो जाते हैं। प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर। मोरिंगा में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें नियाजीमाइसिन पाया जाता है जो कि कैंसर सेल्स को डेवलप होने से रोकता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्चेस, मोरिंगा के पत्ते, बार और दूसरे हिस्सों में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कैंसर सेल को मार सकती हैं। अगर ये रिसर्चेस और इसके अलावा होने वाली रिसर्चेस ठीक हैं, तो मोरिंगा ब्रेस्ट, लिवर, कोलोरेक्टल और दूसरे
कैंसर की ट्रीटमेंट में फायदेमंद हो सकता है। प्रोटेक्टिंग द लिवर, मोरिंगा फैटी लिवर डिजीज की ट्रीटमेंट में फायदेमंद है। एक रिसर्च में गिनी पिग्स को मोरिंगा दिया गया डाइट में, जिन पिग्स ने ज्यादा कंसेंट्रेशन में मोरिंगा का इस्तेमाल किया उनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम पाया गया उन पिग्स के निस्पतन जिन्होंने मोरिंगा का इस्तेमाल कम किया। एडीमा, जब फ्लूइड बॉडी टिश्यू में जमा हो जाता है उसे एडीमा कहते हैं, इंफ्लेमेशन की वजह से। ईयर एडीमा टिश्यू स्वेलिंग कर सकता है ईयर के इर्द गिर्द बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। एक स्टडी के मुताबिक कुछ माइस में जिन्हें ईयर एडीमा था उन्हें जब मोरिंगा सीड ऑयल लगाया गया तो वो स्किन इन्फ्लेमेशन कम हो गई। प्रोटेक्टिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मोरिंगा में बहुत से एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं सच एज क्रिस्टन, जो हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सेहतमंद रखने में मददगार साबित होते हैं। क्रिस्टन लिपिड की फॉर्मेशन होने से रोकता है और सूजन होने से भी बचाता है, जो दोनों हार्ट डिजीज होने के चांसेस को बढ़ा देता है। ट्रीटिंग डायबिटीज, मोरिंगा ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उन्हें कम करने में भी मददगार साबित होता है। एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज रखता है, मतलब जिस्म में जमा होने वाले जहरीले मादों के नुकसान से बचाता है। ट्रीटिंग स्टमक अपसेट, फाइब्रस पॉड्स कोलोन कैंसर होने से बचाते हैं। मोरिंगा लीव्स में लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन होने से रोकती हैं। मोरिंगा एसिडिटी को कम करता है और पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस को कम कर देता है। मोरिंगा में एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकती हैं, जो इन्फेक्शन होने से बचाता है। मोरिंगा अल्सरेटिव कोलाइटिस होने से भी बचाता है और मोरिंगा के जूस या मोरिंगा के पाउडर का इस्तेमाल वजन कम करने में भी मुफीद है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स मोरिंगा प्लांट के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।